चाहिए इस बात के ऊपर। अरे क्यों, अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। छह लोग जाम भाग हो चुके हैं सस्ते आटे की लाइनों में लगकर, ये हालात है। और हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत कमाल के नंबर पर आए हैं। यहाँ पर हमें 50% डिस्काउंट हर चीज से मिल रहा है, तो हमारा रमजान ऐसे जाता है ना, लाइक मैं क्या बताऊँ यार। पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नजर में टेररिस्ट कह लो। अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहाँ पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ कब जवाब दे। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारे हिंदुस्तान खड़ी है। आप सर्वाइव कर गए 75 साल, इसके लिए आपको है सब। बाकी के 75 साल बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इवन यू नो व्हाट आई सॉ समवेयर, कि आज पीओके वाले इंडिया का झंडा उठा रहे हैं, इंडिया के झंडे उठा रहे हो, बोल रहे कि अगर तुम लोग महंगाई कम नहीं करोगे तो हम हिंदुस्तान के झंडे तक उठाएंगे। चाइना आपके लिए पूरी की पूरी उबर कमेटी के साथ कुछ भी कर रहा है, उबर कमेटी के साथ, लेकिन वहां पे आपको कुछ नहीं समझ आता। इंडिया गले लगाता है, इंडिया कहता है भाई आपने सिर्फ रिलीजन चेंज किया, आप हमारे में से हो, हमारे लोग हो, हम आपको गले लगाते हैं। नायला जी ने मुझे खुद ये बात कही है, एंड शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज नॉट फ्रॉम पीओके एंड शी इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। और उन्होंने मुझे अपने डिबेट में, ओपन डिबेट में ये बात कही, हाँ आज पीओके वाले हिंदुस्तान का झंडा उठा रहे हैं। अब तो सिचुएशन यही है कि किसी का बोल सकते हैं वहां इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो इन सब पर जो रमजान आया है तो किस तरह से जो है ना वहां मनाया जा रहा है ये महीना? क्या अभी भी लोगों पे उसी तरह के हालात है या फिर फ्रीडम है, महंगाई का क्या आलम है, क्या सीन है? सो मैं विश आई विल टेल यू वन थिंग, देखो पाकिस्तान का जो रोजगार है ना वो इंडिया से ही चलता है। लाइक अगर तुम लोग हमको ट्रोल नहीं करोगे तो तुम लोग का रोजगार नहीं चलेगा। इवन तुम लोग के कुछ यूट्यूबर्स भी है, हम लोग को वीडियोस में बुलाते हैं तब जाके तुम्हारी इतनी व्यूअरशिप बढ़ती है। सो या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड अगर मैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म की बात करूंगी, जो मीडिया में आके दिखाते हैं कि यहां से ये चल रहा है, वहां से वो चल रहा है, मैं बस उनको इतना बोलूंगी कि यार डू विजिट कश्मीर, यार कभी तो कश्मीर आओ, आके यहाँ पर देखो कि चल क्या रहा है। उसके बाद वो जो तुम बोलते हो ना कि नहीं कश्मीरों को निकलने नहीं दिया जाता, हम लोग के साथ, तुम लोग के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, तुम लोग को ये किया जाता है, तुम लोग को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तुम लोग को हमेशा, मुसलमानों को हमेशा इंडिया में नीचे रखा जाता है, तो ये जो सारी फेक चीजें हैं जो पाकिस्तान का मीडिया शो करता है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है हमें, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जो ये लोग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूंगी कि पहले आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको बात करनी चाहिए। एंड कहा आपने कहा कि रमजान कैसा चल रहा है, तो देखो पहले भी रमजान नॉर्मली चल रहा था। इवन आई टेल यू वन थिंग, कि जब दहशत था, जब ये सब था, या जब इंसान अच्छे से घर से नहीं निकल पा रहा था कि नहीं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखो रमजान तो एक ऐसा पाक महीना है जो हर मुसलमान पे लाजमी है, एंड इंडिया हमें तब भी सपोर्ट कर रहा था, हमें आज भी सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। रही बात रोजों की, तो यहाँ पर नॉर्मली रोजे चल रहे हैं, सब लोग रोजे रख रहे हैं। इवन आई टेल यू वन थिंग, कि यहाँ पर इफ्तार जो होता है ना, इफ्तारी जो है ना वो मस्जिदों में की जाती है, तो आप देखो कि मुसलमानों को कितनी छूट है इतनी सारी आर्मी होने के बाद। बट मतलब पाकिस्तान क्या बोलेगा हमारे बारे में? सो यार लेट इट बी, उनको वो आदत है ना, उनको वो आदत उनकी कभी जाती ही नहीं है। लाइक उन लोगों को वो आदत है कि नहीं अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे, हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी, हम लोग को जानेगा कौन। सो यार अगर तुम लोग को बोलना है हमारे बारे में तो तुम लोग बोल सकते हो, हम लोग तो खुश होते हैं कि कोई हमारी बात कर रहा है लिटरली। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, असल अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर। अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो ये मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा, यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हैं कश्मीर मुद्दा, कश्मीर कौन सा मुद्दा है? अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो? ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पर नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारे हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर